Hello students, let's see this question. The question says, with the increasing principal quantum number, the energy difference between adjacent energy levels in hydrogen atom increases, decreases, is the same none of these. चार options आपने दिए हैं, आपको correct option choose करना है. Principal quantum number क्या होता है? N value, मतलब आपको बताता है कि कौन सा orbit है. ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट कौन सा है, या ये नहीं कि उस ऑर्बिट का साइज क्या है. ठीक है, तो अगर हम ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन वैल्यू को इंक्रीज करते जाए तो दो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा हाइड्रोजन एटम में, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या सेम रहता है. ठीक है, सो हमें पता है कि ई एन जो होता है वो -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम होता है इंटू जेड जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है. ये वैल्यू होती है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. तो हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा -2.18 × 10⁻¹⁸ अपॉन एन स्क्वायर जूल, इतनी एनर्जी होगी. अब अगर मैं दो एनर्जी लेवल्स ले लू, तीन लेके चलती हूँ, E1, E2 एंड E3, तो आपको E1 की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, सो यहाँ पे आएगी -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल. 2 की वैल्यू करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 2.18 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0545 ठीक है, इंटू 10⁻¹⁸ जूल. और E3 के लिए निकालोगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2.18 को डिवाइड कर दोगे आप 9 से, तो ये आ जाएगा 0.242 ठीक है, -0.242, तो यहां आपका आ जाता है 0.242 × 10⁻¹⁸ जूल. ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको देख लो, देखो 10⁻¹⁸ तो कॉमन है, सो आप 2.18 − 0.545 करके देखो तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 1.635 का. ठीक है, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस देखो 0.545 माइनस करोगे 0.242 से, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है आपका क्या 0.303 से. तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.